जैन साथियों, ये जो आपके 25 दिन बचे हैं, 25 दिन आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए अगर आप इसमें सही से भी थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, जो बची उची आपकी कमियां हैं उनको अगर दूर कर लेंगे, तो वास्तव में आपका ज़िंदगी सुखदमय होने वाली है। अभी जो आपके कष्ट हैं, जो बेरोज़गारी का ठप्पा लगा है, और जो घर वालों और रिश्तेदारों, मोहल्ले, गांव, जो भी ताने आपको मिल रहे हैं, ये सब ताने जो है आपके शाबाशी में बदलने वाले हैं। क्योंकि लोग मुझे भी कहते थे कि वहाँ जाता है तो पता नहीं क्या करते हैं, दारू, यहाँ तक लोग कहते थे कि दारू भी पीते हैं वहाँ, तो ऐसा बहुत से ब्लेम लगे थे। लेकिन जो लग गया जब नौकरी, उसके बाद लोग कह रहे थे हाँ वो सही लड़का था। तो ऐसे ऐसे आपके पास भी आते होंगे खबरें जो पीछे से लोग बताते हैं, तो ऐसा है। तो इस बार मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगर मेहनत कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन किस्मत के भरोसे नहीं होता है। किस्मत आपका 10% या 1% ही साथ देती है, लेकिन मेहनत अगर नहीं होगी तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है कि आपके हिंदी हो गया और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया और इसमें अच्छे से मेहनत कर लिया, आपका सिलेक्शन 101% है। बस इस दो सब्जेक्ट को आपको 90% के ऊपर नंबर लेके आना है। जैसे अब क्या है, हिंदी में मैंने बता दिया आपको 37 में 32 आप कर सकते हैं, किस बुक से पढ़ना और कहाँ से प्रैक्टिस करें, यूट्यूब से आपको मैंने बता दिया सब कुछ। अब बारी है आपके रीजनिंग की। रीजनिंग देखो, रीजनिंग आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी रीजनिंग में सुधार आएगा। और रही बात, आपके पास कोई बुक हो, अच्छी बुक होनी चाहिए। मैं नहीं, जैसे मेरे पास जैसे एक KP सिंह की है, इस बुक में खास क्या बात है कि आपके सभी, जैसे एक चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें सब दिए हैं। जैसे मैंने पहला चैप्टर इसमें दिया है एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट में खोल लिया मैंने, तो इसमें जो है करीब 18 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसमें सब कुछ दिया है। तो जब आप एक एक चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में आएगा, तो इससे बाहर तो किताबों से बाहर जाता ही नहीं। तो जितने टाइप के आप पढ़े रहेंगे आपको वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बेशक है आपको सभी टाइप छोड़ना नहीं है, जितने अभी आपके सिलेबस में उनके जितने चैप्टर, उनके जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेना, चाहे किताब से पढ़े चाहे यूट्यूब से। अब यूट्यूब को आपको कहाँ से पढ़ना है, जैसे यूट्यूब में क्या है, एग्ज़ामपुर के दीपक चौधरी सर हो गए, जो सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं। इस टाइम उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, और लेकिन पुरानी क्लासेस पढ़ी उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसे RWA पे संदीप सर हो गए, पीयूष वार्षने सर हो गए, और बहुत से आपके जो फेवरेट टीचर हों, आपको लगता है कि ये इस जो मेरे चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के 7-8 चैप्टर ही ऐसे हैं जिन जिनमें आपको दिक्कत होती होगी, बाकी तो आपके कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। 6-7 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, आप देखना आपके जहाँ जहाँ, जैसे आपका कहाँ होता है, एक काउंटिंग फिगर हो गया, दूसरा आपका हो गया कथन निष्कर्ष, ये यहाँ से आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। और जो कुछ हैं कैलेंडर वगैरह, क्लॉक व्लॉक, कुछ यहाँ के नियम रहते हैं, बाकी सब में तो अपना तरीका जो लॉजिक लग जाए वही से सही हो जाता है। तो ये है, अब आपको मैं बताऊँगा कि आपको किन किन चैप्टरों में सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग में। जैसे देखो, रीजनिंग में आपको फोकस कैसे करना है, जैसे रीजनिंग में 3-4 चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, यहीं से आपके 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग आपके जुबान पे रटनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से कम 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं केवल कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे आपसे पूछ लिया क्यू का कोड क्या है, तो आपको दिमाग में रटा होना चाहिए क्यू का 17 होता है, क्यू का उल्टा क्या होता है जैकअप होता है, तो क्यू का उल्टा जे हो गया। ऐसे पूछ लिया एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा हाई स्कूल होता है, तो एच होता है। ऐसे आपको सब कुछ आपके दिमाग में, जैसे आ गया आपके यू आ गया, तो यू का कितना नंबर होता है 21, आपके ऐसे दिमाग में ये सब रटे हुए, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। क्योंकि एग्जाम में ऑफलाइन है तो आपको थोड़ा सा यहाँ से समय काफ़ी बचेगा, क्योंकि क्या होता है ऑफलाइन में चीज़ें आपको बार बार कंप्यूटर मिलाना नहीं पड़ता, और टेस्ट कोशिश करें कि आप ऑफलाइन ही दे, क्योंकि ऑफलाइन में आप देखेंगे यू का जेट्स है, तो ऐसे आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं सीधा सीधा संबंध, तो उसमें आपका समय बचेगा बस। लेकिन आपको 15 मिनट समझ लीजिए आपका समय कम रहेगा, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट आपका पेपर होगा, 15 मिनट आपको कम से कम OMR सीट भरने के लिए चाहिए चाहिए, नहीं तो फिर आप गलती बहुत कर देंगे। और जल्दबाजी में OMR के लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे भरना है, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से भरेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे OMR से। अब बात करें, जैसे हो गया कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा क्या हो गया आपका सीरीज, सीरीज के अभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो सीरीज पढ़ लीजिए किस टाइप में सीरीज में डिफरेंस लगता है, किस में स्क्वायर से लगता है, किस में गुणा से, कई तरीके से सीरीज लगती है, सारे सीरीज के टाइप पढ़ लीजिए। तीसरा आपका हो गया दिशा परीक्षण,
ये तीन चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपके 10 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से फिक्स हो गए। दिशा परीक्षण पढ़ लेना है आपको अच्छे से, ये 3 चैप्टर आपको रटी लेना है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके तय हो गए। और चौथा आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन तो तय है, कभी 3 भी हो सकती है, तो ब्लड रिलेशन को आपको बहुत सही तरीके से। और फिर आपको ऑर्डर रैंकिंग टेस्ट हो गया, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर कथन निष्कर्ष इसके बाद आता है, कथन निष्कर्ष के आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके मेरिट डिसाइड कर देता है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं, बहुत से साथियों के गलत होते जाते हैं, बहुत से साथियों के सही हो जाते हैं। जिसके सही हो जाते हैं वो मेरिट में आगे निकल जाता है, जिसके कम हो जाते हैं वो समझ लिए मेरिट से बाहर होने के उसके ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि गलतियाँ यही होती। क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, सबको रीडिंग आती है, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ गलत होने चाहिए वहाँ जो बहुत लोग गलत कर देते, जहाँ सही होना चाहिए वो जो सही करने वाले सही कर, वही लोग मेरिट में आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके समझ। और जैसे आपके घड़ी से क्वेश्चन आते तो हैं 1-2, और लेकिन जो बहुत से लोग क्वेश्चन होता है कैलेंडर, देखो यूपी पुलिस में आया नहीं है, पता नहीं इस बार आता है कि नहीं, लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए, पढ़ के जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। और जैसे आपके गणितीय संक्रियाएं हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आता है कि भाग को प्लस किया गया, माइनस को गुणा किया लिखा गया, तो 8 को 3 से चेंज कर देंगे, 3 को 8 से, तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1-2 आते हैं, ये भी आपको पढ़ना है इस टाइप के। तो सबकी और जाके फिगर में जैसे हो गया, तो फिगर को आपको पढ़ना है कि ये सब पढ़ के जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देख लेना है प्रीवियस ईयर में आपके कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक बार आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी हो, किसी भी प्रकाशन को मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, भी लगाइए, उसके बाद देखिए उसमें आपकी गलती कहाँ से हो रही है, किस टॉपिक से आपकी गलती हो रही है, उस पर मेहनत करिए। अभी भी समय है, 20 से 25 दिन है, आप अगर मेहनत करें डेली के एक टॉपिक पकड़ लेंगे तब भी आपका जो है रीजनिंग में आपके 8-10 ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें आपको दिक्कत होती होगी, तो उन चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। यही हर सब्जेक्ट में आपको करना है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। क्योंकि अगर रीजनिंग में आपने 50 कर दिया और हिंदी में आपके ये 32 हो के करीब 82-83 क्वेश्चन आप 85 तक भी कर देंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी में आप मैथ में 10-12 कर देंगे आसानी से, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद रही बात आपकी जीके में भी आप 10-12 कर देंगे, हो गया आपका 112 में खेल, क्या दिक्कत है, 110-12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। क्योंकि कंपटीशन फॉर्म की संख्या पर मैं जाइए, पढ़ने वाले कितने उस पर जाइए, और समय भी कम मिला है तो कंपटीशन उस हिसाब से ज़्यादा मेरिट जाने के चांस हैं। अगर यही परीक्षा आपकी जून के बाद होती तो 101% आप फिर आपका 230 प्लस मेरिट जनरल की जाती, लेकिन अभी समय नहीं मिला इस वजह से मेरिट कम जाएगी। अगर यही पेपर जून के बाद होता तो सबको समय मिल जाता, सबको तैयारी करने का मौका मिलता, तो मेरिट आपकी हाईफाई वैसे भी जाती। तो सारा मेरिट के चक्कर न पड़े, जितना हो सके मेहनत करिए, और कभी दिमाग में नहीं लाना है आपको कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस अपने कर्म पे भरोसा रखिए। कर्म में अगर आपकी क्षमता है, आपने सच्चे मन से मेहनत की, आपका सिलेक्शन 101% होगा। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपका।